सो ये वसा भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आपका अपना होस्ट एंड दोस्त, यानी कि आपका अपना जीजे कबीर, और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यार गुजरात गेमर्स की एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो भाई लोग, आज यहाँ पर होने वाला है टीम गुजरात वर्सेस टीम बैंगलोर। तो ये मुकाबला इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है, पल पल में भाई साहब सस्पेंस आ जाता है। मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये वाला राउंड दूसरी टीम जीत जाएगी, बट उसी टाइम कुछ ऐसा हो जाता है जो वो दूसरी वाली टीम जीत जाती। तो यार ये मुकाबला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। तो मेरे भाई लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और वीडियो के जब ये वीडियो खत्म होगी उसके एंड में आप लोगों को एक मस्त सी इन्फॉर्मेशन देने वाले, कैसे आप लोग फ्री में जर्सीज, जो भी सॉकर जर्सीज का इवेंट चल रहा है, आप लोग फ्री में कैसे जर्सीज बाय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्री में एकदम, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। तो मेरे भाई लोग, आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन लास्ट में बताएंगे, आप लोग जरूर से वो इन्फॉर्मेशन देख के जाना। तब तक के लिए चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कस्टम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। एक साइड यहाँ पर रहने वाली है इट्स ऑफिशियल D2K स्ट्यू, TL नगेश और TL लेजेंड। तो बात की जाए तो बैंगलोर के कैप्टन यहाँ पर होने वाले हैं TL लेजेंड भाई, काफ़ी ज़्यादा घातक गेम प्ले बंदे का। और टीम गुजरात की बात की जाए तो टीम गुजरात की तरफ से यहाँ पर हमको जीजे रोनी, जीजे एमजे, जीजे प्रिंसू और तो और जीजे रॉकी खेलते हुए नजर आने वाले। तो क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतने वाला है कौन नहीं, मुकाबले को इसीलिए एंड तक देखते रहना। तो चलो यार अभी यहाँ पर मुकाबले को स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई लोग, फाइनली यहाँ पर मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा जुनून से यहाँ पर हमको नजर आने वाली है। एक बार मैं फिर से बता दूँ, टीम गुजरात की तरफ से यहाँ पर हमें जीजे रोनी, जीजे एमजे, जीजे प्रिंसू और जीजे रॉकी नजर आने वाले हैं। और सामने वाली टीम की बात की जाए तो इट्स ऑफिशियल D2K स्टीव और नगेश और लेजेंड यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो मेरे भाई लोग, जितने भी लोग यहाँ पर स्ट्रीम वीडियो देख रहे हो यार, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भाई लोग लाइक कर देना, काफ़ी घातक यहाँ पर ये मुकाबला होने वाला है। तो दोनों ही टीम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली, जीजे रोनी थोड़ा सा पीछे से खेलते हुए हमको नजर आने वाले, जीजे प्रिंस यहाँ पर MP5 उठा चुके हैं और देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं। एमजे ने यहाँ पर मुझे लगता है सबको वॉल दिया है और डबल USP ले चुके। जीजे रॉकी ने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक नॉक निकाले, तो भाई साहब क्या ही घातक हेडशॉट मारा है। मुकाबले में सबसे पहला हेडशॉट आता हुआ जीजे रॉकी की तरफ से, प्रिंसू ने यहाँ पर रश कर दिया और यहाँ पर प्रिंसू का काफी सही कोऑर्डिनेशन प्रिंसू ने खत्म कर दिया, एक और बंदे को नॉक कर दिया है। तो क्या ही ये मुकाबला रहा है यहाँ पर भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा भाई, ये मुकाबला कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है यहाँ पर, वो भी खत्म हो गया। तो पहला मुकाबला टीम गुजरात काफी ज्यादा इजी तरीके से जीत चुकी है मेरे भाई लोग। तो यहाँ पर दूसरा मुकाबला आ चुका है, पोचिनो का ये मुकाबला होने वाला है। क्या लगता है TL लेजेंड अपनी टीम को जिता पाएंगे या फिर नहीं, जीत के करीब ले जा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर इनको टीम गुजरात से हार का सामना करना पड़ेगा। और जीजे रोनी ने यहाँ पर काफी ज्यादा घातक तरीके से डैमेज दिया, जैसे हमने देखा जीजे एमजे पे थोड़ा सा रस हो रहा है, जीजे एमजे थोड़ा सा, जीजे रोनी यहाँ पर डैमेज देते हुए नजर आने वाले और एमजे यहाँ पर पीछे से थोड़ा खेलते हुए नजर आने वाले, प्रिंसू यहाँ पर रस करे, रॉकी थोड़ा सा सावधानी बरत के खेलने वाले नजर आने वाले, जीजे रोनी यहाँ पर पीछे से रस करते रहे यहाँ पर और देख लेते क्या होता है क्या नहीं। रॉकी यहाँ पर एमजे के सपोर्ट में आ चुके हैं, जीजे रोनी यहाँ पर डबल UMP चलाते हुए नजर आने वाले, UMP का भी तहलका मच रहा है। दोनों ही टीम के चार बंदे अभी हुई खड़े हुए नजर आने वाले और रॉकी पर यहाँ पर दो बंदों का रस हो चुका है। तो क्या लगता है यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज दे दिया है जीजे रॉकी ने और दो बंदों पर लगातार यहाँ पर रश हो रहा है जीजे रॉकी के ऊपर और बाकियों के बंदे को देख लेते। रोनी यहाँ पर पीछे से सपोर्ट करते हुए नजर आने वाले, एमजे भी यहाँ पर आ चुके हैं सपोर्ट के लिए और बाकियों को बंदे को देख लेते। यहाँ पर एमजे ने नॉक निकाली है काफी ज्यादा चालाकी से, यहाँ पर जीजे प्रिंसू ने भी नॉक निकाली है और बट पैक करके यहाँ पर हील करते हुए नजर आने वाले अपने बंदे को। तो क्या जीजे प्रिंसू यहाँ पर इन्हें खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं, तीन बंदे खड़े हो चुके हैं, जीजे प्रिंसू रस में जा चुके हैं, वॉल के अंदर काफी ज्यादा भाई गुजरा हो चुका है और भाई साहब आधे जोन में जा चुके, लाइफ काफी ज्यादा कम है, एक और बंदा इनके पास है और क्या यहाँ पर जीजे प्रिंसू को नॉक निकाल लिया गया है। तो यहाँ पर जीजे एमजे ने एक बंदे को मार दिया है, 3-2 ये मुकाबला होने वाला है। जीजे रॉकी रस में आते हुए नजर आने वाले, स्टीव बचे हुए नजर आने वाले, भाई साहब एक बंदा और नॉक हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है। भाई साहब ये मुकाबला भी कैसे खत्म हो रहा है कुछ पता नहीं चला। 2-0 से टीम गुजरात हमको लीड करती हुई नजर आने वाली है। और बात की जाए तो प्रिंसू के यहाँ पर 3 किले, रोनी के 2 किले, एमजे के 2 किले और रॉकी भाई के 1 किलो चुके हैं।
और बाकी सामने वाली टीम की बात की जाए तो हमारे लेजेंड भाई के 1 किल हो चुके, बाकी के पूरी टीम के 0 किल है, यानी एक भी बंदे को नहीं मार पाए अभी तक तो। और 2-0 से लीड करती हुई नजर आने वाली, 3-0 से ये मुकाबला क्या है यहाँ पर और आगे बढ़ेगा, मिल का ये मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम रश रश खेलती हुई नजर आने वाली, रॉनी को नॉक निकाल स्टार्टिंग में, जीजेएमजे ने यहाँ पर हेड मारने की कोशिश और उसमें सक्सेसफुल भी रहा है। यहाँ पर नगेश को भी नॉक निकाले गए, लेजेंड यहाँ पर रश करते हुए नजर आने वाले, शिव की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पीछे से आ रहे हैं। और भाई ये मुकाबले में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। प्रिंसू ने यहाँ पर रश किया, प्रिंसू को नॉक निकाले गए, रॉकी यहाँ पर सपोर्ट में गए हुए, रॉकी ने यहाँ पर इनको एक और को नॉक निकाला काफी ज्यादा घातक तरीके से, एक और बंदा बचा हुआ है। यहाँ पर इनको क्या नॉक निकाल पाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 vs 1 ये फाइटिंग होने वाली है, स्टीव वर्सेस रॉकी। यहाँ पर रॉकी ने क्या ही हेड मार के बंदे को खत्म कर दिया है। तो 3-0 से यहाँ पर टीम गुजरात लीड करती हुई हमको नजर आने वाली मेरे भाई लोग। और बाकियों की टीम अभी पता नहीं क्यों शायद से थोड़ी सी नर्वस हो चुकी है या थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये टीम काफी ज्यादा घातक है। और बेंगलुरु की सारी ये टीम है, चारों के चार बंदे एक ही गिल्ड के, बट दो ही बंदों ने ऐसे जिन्होंने नेम चेंज नहीं किया है। और देख लेते हैं रॉकी यहाँ पर वन टैप की फिरात में घूमते हुए नजर आने वाले, बाकी के बंदे भी काफी ज्यादा घातक तरीके से। रॉकी के 5 किल हो चुके, वन टैप नहीं मार पाए मेरे भाई, 30 यहाँ पर 30 का डैमेज दिया गया है। एम जी यहाँ पर फाइटिंग लेते हुए अकेले नजर आने वाले, और बाकी के बंदे को भी देख लेते कौन कहाँ पर है। रॉनी यहाँ पर रस करते हुए नजर आने वाले, क्या ही मूवमेंट इस बंदे की। और यहाँ पर प्रिंसू ने एक बंदे को नॉक निकाली है, एम जे भी नॉक हो चुके, लेजेंड क्या ही घातक बंदा खेल रहा है। और यहाँ पर स्टीव बचे हुए, क्या कर लगता है रॉनी मार पाएंगे या फिर नहीं, यहाँ पर बॉल क्या ही घातक लगा रहा है ये बंदा। रॉकी उनके पीछे पीछे उनको छोड़ नहीं रहे, क्या यहाँ पर रॉकी नॉक कर पाएंगे या फिर नहीं, रॉकी इमोट दिखा रहे बॉल तोड़ते हुए जीजे प्रिंसू नजर आने वाले हम लोगों को। यहाँ पर स्टीव को नॉक कर दिया गया है, लेकिन जीजे रॉनी भी नॉक हो चुके, रॉकी यहाँ पर पीछे से बढ़ते हुए नजर आने वाले, यहाँ पर प्रिंसू हील करते हुए नजर आने वाले, सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे बचे हुए प्रिंसू और रॉकी। प्रिंसू पीछे से रश करते हुए यहाँ पर नजर आने वाले, रॉकी M10 का यूज कर रहे, क्या 2 vs 2 का ये मुकाबला टीम गुजरात जीत पाएगी या फिर नहीं, लेकिन जब तक लेजेंड है तब तक भाई ये मुकाबले में जान है। तो लेजेंड ने यहाँ पर रॉकी को नॉक कर दिया गया, अकेले यहाँ पर प्रिंसू बचे हुए नजर आने वाले, सिर्फ और सिर्फ सिंगल UMP यूज करते हुए नजर आने वाले। क्या होने वाला हेड लगाने की यहाँ पर सोच में घूम रहे, बट 2 बंदे बचे तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट जीजे प्रिंसू नाम काफी भाई सा मार सकते हैं। एक बंदे को यहाँ पर क्या नॉक, ओह माय गॉड, यहाँ पर जीजे प्रिंसू ने क्या ही हेड मार के बंदे को नॉक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिकल पैरोट ओपी बोलते भाई क्या ही यहाँ पर बंदे को खत्म कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पर पहला मुकाबला जीत चुकी है सामने वाली टीम, तो अभी देखते हैं भाई लोग क्या होने वाला है क्या नहीं। दोनों ही टीम में काफी ज्यादा जुनून नजर आने वाला है, दोनों ही टीम अपने गेम प्ले के लिए लड़ती हुई नजर आने वाली है। और यहाँ पर इन भाई को मतलब पैक कर दिया गया है, भाई अलग ही नशे में घूम रहे बंदे। यहाँ पर रॉनी पर रश कर दिया गया, रॉनी को यहाँ पर नॉक निकाला गया, स्टीव क्या ही बंदा खेल रहा है, स्टीव का भी गेम प्ले काफी ज्यादा घातक है। एमजे पीछे से रश करते हुए, लेकिन यहाँ पर पीछे से उनको डैमेज दे दिया गया, रॉकी को यहाँ पर नॉक निकाले, जीजे प्रिंसू ने एक बंदे को यहाँ पर नॉक कर दिया, वॉल लगा लिया, काफी सही मूवमेंट इस बंदे की भी, बट पीछे से रश किया है, किल अपना यहाँ पर पूरी तरीके से खा लिया, वॉल यहाँ पर पूरी तरीके से पैक किया कर लिया मेरे भाई लोग यहाँ पर, लेकिन वॉल तोड़ रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ जीजे प्रिंसू बचे हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, एमजे क्या यहाँ पर पीछे से सपोर्ट दे पाएंगे या फिर नहीं, एक बंदे को डैमेज किया है लेकिन यहाँ पर वॉल नहीं लग पाए, प्रिंसू को नॉक निकाल लिया गया मेरे भाई लोग, प्रिंसू को यहाँ पर नॉक निकाल लिया गया। और ट्रॉपिकल पैरट से लेजेंड यहाँ पर 5 किल कर चुके हैं, कैप्टन की तरह खेलते हुए नजर आने वाले लोग, यहाँ पर कैप्टन की तरह गेम प्ले इनका नजर आने वाले, 5 किल मेरे भाई लोग इनके हो चुके हैं। रॉकी के 6 किल है, प्रिंसू के 5 किल है और एमजे भाई के 3 किल है, रॉनी भाई के 2 किल है। तो कोऑर्डिनेशन अब हमको थोड़ा थोड़ा नजर आने वाला है। यहाँ पर 2-3 से मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 1 ही पॉइंट से अब लीड कर रही, तो क्या यहाँ पर कम बैक कर पाएगी या फिर नहीं, टीम बैंगलोर यहाँ पर क्या कम बैक कर पाएगी या फिर नहीं। ऑफिशियल को यहाँ पर नॉक कर दिया गया, स्टीव का गेम प्ले काफी ज्यादा ओपी है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। रॉकी को यहाँ पर M187 से नॉक निकाल लिया गया, रॉनी की मूवमेंट आप लोग देख ही सकते हो यार, क्या ही मूवमेंट है, एक बंदे को घातक तरीके से यहाँ पर हेड मारा है, लेकिन यहाँ पर रॉनी को भी नॉक निकाले गए, एमजे भी नॉक है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अकेले प्रिंसू बचे हुए नजर आने वाले। और सामने यहाँ पर देख लेते 2 बंदे अभी भी लाइव है और देखते क्या होने वाला, क्या नहीं, पीछे से डैमेज दे दिया गया है, तो क्या ये सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं, मुश्किल काफी ज्यादा, बिकॉज यहाँ पर लेजेंड और स्टीव 2 सबसे ज्यादा घातक बंदे बचे हुए बैंगलोर के। और देखते क्या होने वाला क्या नहीं, यहाँ पर दोनों ही बंदे बहुत खुले नजर आने वाले, लेकिन जब तक लेजेंड है 7 किल कर चुका है ये बंदा, फाइनली मुकाबले को बैलेंस कर चुका है, 3-3 से ये मुकाबला बैलेंस हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर
घातक गेम प्ले दिखाते हुए टीम के कैप्टन यानी कि लेजेंड टीम बेंगलोर के कैप्टन है टीएल लेजेंड, जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर से बता देता हूं। और टीम गुजरात के यहां पर सारे के सारे बंदे लीड कर रहे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं। जीजे प्रिंसू को यहां पर स्टीव ने क्या ही हेड मारा है, आप लोग देख सकते हो। जीजे प्रिंसू यहां पर नॉक हो चुके हैं, क्या इनको हील कर पाएंगे या फिर नहीं, काफी बड़ा सवाल होने वाला है। और यहाँ पर क्या ही मुकाबला चल रहा है, प्रिंसू को नॉक कर दिया पूरी तरीके से, पैक करके इनको पूरा डेथ निकाले गए। जीजे रॉकी थोड़ा सा बैक कवर देते हुए नजर आने वाले, जीजे रॉनी यहाँ पर यूएमपी का यूज करते हुए थोड़ा सा डैमेज दिया है भाई लोग। यहाँ पर एमचे आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले, बहुत ही घातक MP5 ये बंदा चलाता है। आप लोगों को जैसा हम लोगों ने अभी कहा, जीजे एमजे ओपन द चैट भाई, क्या ही यहाँ पर MP5 चलाता है, नॉक निकाल लिया है यहाँ पर एक बंदे को। जीजे रॉनी यहाँ पर क्या ही मूवमेंट दिखा रहा है ये बंदा अकेले चाहे तो पूरी मैच जीता सकता है। दो बंदे अभी भी अलाइव है यहाँ पर, जीजे रॉनी जीजे एमजे बचे हुए, देखते क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर देखो जीजे एमजे को नॉक निकाल लिया और पीछे से लेजेंड, यहाँ पर अब असली कोऑर्डिनेशन दिख रहा है सामने वाली टीम का। यहाँ पर गेम चेंजर्स के सामने क्या कोई टीम गेम चेंज कर पाएगी या फिर नहीं। 4-3 से लीड कर चुकी है अब सामने वाली टीम, जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा 3-0 से टीम गुजरात लीड कर रही थी, लेकिन यहां पर अब 1 पॉइंट से लीड कर रही है मेरे भाई लोग यहां पर बैंगलोर की टीम। तो क्या यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है टीम गुजरात को, इसको देखने के लिए आप लोगों को मुकाबले को एंड तक देखना पड़ेगा। यहां पर स्टार्टिंग में ही प्रिंसू को नॉक निकाला गया है, लेजेंड भाई घातक गेम प्ले इसका दिखाई देता है। और यहाँ पर जीजे एमजे वॉल तोड़ने में मुझे लगता है नजर आने वाले, दो बंदे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं। और बात की जाए तो स्टीव बचे हुए हैं, ऑफिशियल बचे हुए, लेजेंड बचे हुए, टीम गुजरात की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एमजे बचे हुए। 1v1 ये फाइटिंग होने वाली, क्या यहाँ पर एमजे एक बंदे को मार पाएंगे या फिर नहीं, काफी बड़ा सवाल होने वाला है। स्टीव यहाँ पर बचे हुए नजर आने वाले आगे बढ़ते हुए दोनों ही बंदे, क्या एमजे को पता है कि स्टीव की पोजिशन क्या है, देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर देना और एक अच्छी सी कमेंट ड्रॉप कर देना मेरे भाई लोग, यार बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और देखते हैं क्या होने वाला है। एमजी यहाँ पर MP5 का यूज कर रहे हैं, MP5 किंग भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर स्टीव रस वाले प्लेयर नजर आते हुए आगे बढ़ते हुए M47 यहाँ पर डैमेज बहुत ज्यादा दे दिया एमजी को, एमजी ने भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, लेकिन यहाँ पर स्टीव को फतेह हासिल होने वाली। स्टीव यहाँ पर जीत चुकी, तो 5-3 से लीड कर रही है यहाँ पर टीम बेंगलोर। तो क्या यहाँ से टीम गुजरात को हार का सामना कर सकता है या फिर यहाँ पर टीम गुजरात जिसको टैग दिया जाता है गेम चेंजर्स का, ये गेम चेंज कर पाएगी, काफी बड़ा सवाल होने वाला है। फैक्ट्री का राउंड यहाँ पर स्टीव यहाँ पर पीछे से हमको रश करते हुए नजर आने वाले। 5-3 ये मुकाबला, 8 राउंड पूरे के पूरे खत्म हो चुके, 9वां मुकाबला ये होने वाला है फैक्ट्री का मुकाबला। जीजे रॉकी यहाँ पर पीछे से खेलते हुए नजर आने वाले, प्रिंसू थोड़ा सा रश कर रहे, वॉल नहीं लगा रहे तो एक तकलीफ हो सकती है। और पेटी के पीछे छुपे हुए भाई साहब, आम की पेटी के पीछे यहाँ पर जाकर छुप चुके हैं। रॉनी यहाँ पर कंटेनर के पीछे यहाँ पर सर्वाइव करते हुए नजर आने वाले, सारे के सारे बंदे अब थोड़ा सा होल्ड करके खेलते हुए नजर आने वाले। बिकॉज यहाँ पर ओ भाई साहब, बातों ही बातों में यहाँ पर रॉकी ने हवाई फायर किया है और यहाँ पर टकला फोड़ दिया है भाई साहब, तेल निचोड़ के उसके माथा फोड़ डाला है भाई, क्या ही हेड मारा है। और एक बंदा यहाँ पर लेजेंड यहाँ पर मेन बंदे को नॉक निकालिया, तो ये देखते हैं क्या ये मुकाबला टीम गुजरात जीत पाएगी या फिर नहीं। और 3-5 से यहाँ पर सामने टीम लीड कर रही है, प्रिंसू आगे की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले, रॉकी यहाँ पर आगे से थोड़ा खेलते हुए नजर आने वाले, एमजी यहाँ पर पीछे से रस करते हुए नजर आने वाले, और हमारे रोनी भाई देखते हैं कहाँ पर है, और रॉकी भाई तो यहाँ पर अपने स्टेट्स के नीचे खड़े हुए नजर आने वाले। बाकी के बंदे यहाँ पर क्या ही घातक, सामने वाली टीम का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा घातक है यहाँ पर नजर आने वाला है। और देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं। दो ही बंदे यहाँ पर बचे हुए, एक बंदा नॉक हो चुका है और सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है, स्टीव मेरे ख्याल से बचे हुए। यहाँ पर स्टीव बचे हुए, कौन इनको खत्म करेगा, यहाँ पर एमजे क्या इन्हें खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं, देखते जी नहीं। यहाँ पर जीजे प्रिंसू ने यहाँ पर आखिरी बंदे को यानी कि स्टीव को खत्म करके ये मुकाबला टीम गुजरात के नाम कर दिया है। तो यहाँ पर फिर भी 5-4 से लीड कर रही है टीम बेंगलोर, यहाँ पर लेजेंड का काफी ज्यादा घातक गेम प्ले नजर आने वाला है। और अगर यहाँ पर ऑफिशियल और नगेस यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो टीम गुजरात को हार का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप लोगों को भी हमारे साथ ऐसे ही खेलना है 4v4, 2v2, 1v1 या फिर आपको हमारे गिल्ड में आना है तो नीचे आप लोगों को इंस्टाग्राम के लिंक दे दी गई होगी, मेरे भाई जल्दी से जाकर फॉलो करके फॉलो कर लेना। और अगर आपको किसी पर्सनल बंदे को भी फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी आप लोगों को नीचे दे दी गई होगी। प्रिंसू ने मेरे ख्याल से एक बंदे को नॉक निकाल लिया गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो बंदे बचे हुए, एक नॉक ही दीजिए। रॉकी यहाँ पर ईगल का यूज कर रहे हैं और 30 का डैमेज देके भाई क्या ही खेल चुराया है बंदे ने। और रॉकी हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक ही बंदा बचा हुआ है, स्टीव को भी खत्म कर दिया है। और फाइनली लगता है यहाँ पर गेम चेंजर्स का टैग
एक और बार यहाँ पर टीम गुजरात के माथे पर लगने वाला है। 5-5 से यहाँ पर ये मुकाबला बैलेंस्ड हो चुका है। और यहाँ पर बात की जाए तो 11th मुकाबला आ चुका है, सेंटोसा का मुकाबला एक बार फिर से हमको देखने में नजर आने वाला है। और बात की जाए तो रॉकी के यहाँ पर 9 किल हो चुके हैं, प्रिंसू के 9 किल हो चुके हैं, एमजे के 7 किल और रॉनी के 3 किल। तो देखते हैं क्या होने वाला है, यानी लेजेंड के 10 किल हो चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ क्या ही खेला है स्टू 7 किल। यहाँ पर एमजे ने स्टार्टिंग में ही नॉक निकाल लिया है और थोड़ा सा एडवांटेज अपनी टीम गुजरात को दी जाए। स्टीव ने यहाँ पर रॉनी को नॉक निकाल लिया है। भाई इमोट नहीं दिखाएंगे भाई, बंदे अच्छे हैं, मतलब थोड़े से बुद्धि वाले बंदे, बाकी जो गावड़ी होते भाई वही इमोट दिखाते हैं। प्रिंसू यहाँ पर रस कर चुके हैं पीछे तरी पीछे की साइड से, और देखिए अभी आगे क्या होने वाला है। लेजेंड यहाँ पर आ चुके हैं प्रिंसू के रश में, और दो बंदे आ चुके हैं, स्टीव भी आ चुके हैं यहाँ पर और लेजेंड भी है। तो प्रिंसू को थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ हो सकती है, बट देखते हैं क्या ये सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार, और ये जो ये मुकाबला जीतेगा उसके पास काफी ज्यादा एडवांटेज रहने वाला है, बिकॉज उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड जीतना पड़ेगा। लेकिन अगर सामने वाली टीम भी एक मुकाबला जीत जाती तो भाई ये मुकाबला चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। भाई ये जोन में फंसा गए भाई, लगता है नेट लैग कर गया क्या, लॉल हो गया, बट निकलने की कोशिश में लाइफ सिर्फ और सिर्फ 5 लाइफ बची हुई है। भाई साहब ये क्या ही सीन हो गया है भाई, ये अपने रॉकी भाई के पीठ पर चढ़ चढ़ के एमजे भाई कूद रहे हैं, ये गलत चीज है भाई, ऐसा मत किया करो। प्रिंसू भाई और एमजे भाई क्या यहाँ पर लेजेंड और ऑफिशियल को मार पाएंगे या फिर टीम के कैप्टन? ओ भाई साहब यहाँ पर जीजे प्रिंसू ने काफी ज्यादा घातक तरीके से डैमेज दिया है, वॉल से निकलने की कोशिश में यहाँ पर नजर आने वाले, ऑफिशियल की लाइफ कम, और इसी के साथ साथ टीम गुजरात जी हाँ गेम चेंजर्स एक और मुकाबला यहाँ पर जीत के ये मुकाबला धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हुए नजर आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर बेंगलोर की टीम एक और मुकाबला जीत जाती है तो भाई साहब ये मुकाबला जैसा कि मैंने कहा चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्या उन्हें रॉनी यहाँ पर पीछे से रश कर चुके, क्या यहाँ पर रॉनी इन्हें मार पाएंगे या फिर नहीं? नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर चारों के चारों बंदे रश कर चुके हैं इनके सामने, और यहाँ पर देखते हैं क्या उन्हें स्टीव और यहाँ पर नगेश रश कर चुके मेरे भाई लोग, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दोनों ही बंदे यहाँ पर पीछे से रश कर चुके, लेजेंड यहाँ पर रश पे आ चुके, ऑफिशियल को नॉक निकाल लिया गया है, और यहाँ पर दो बंदे को जीजे प्रिंसू आज के मुकाबले में राजा बन के खेले हुए भाई साहब। 12 किल इस बंदे ने ठोक दिए, 9 किल रॉकी के, 9 किल एमजे के और रॉनी के, 3 किल। ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीम गुजरात का जबा नजर आने वाला है। यहाँ पर प्रिंसू को नॉक निकालिया, स्टीव का क्या ही गेम पे यहाँ पर नजर आने वाला है भाई साहब, क्या ही मूवमेंट है, चारों के चारों बंदे को यहाँ पर फलक पर लाकर खड़ा कर दिया है भाई साहब। इस बंदे में जुनून है, ये भाई साहब थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो स्टीव और लेजेंड मिलकर टीम गुजरात की पत्थर फेर सकते थे, लेकिन टीम गुजरात भी कोई ऐसे वैसे खेत की मूली नहीं है यार। तो देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं, फिलहाल तो बेचारा अकेले बचा हुआ है, तो ये मुकाबला यार मुझे लगता है यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन बट यहाँ पर 3 बंदे को भी मार सकते हैं, बिकॉज स्टीव का गेम प्ले इतना घातक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले, मूवमेंट अपनी दिखाते हुए नजर आने वाले, 7 फेरे 7 वचन एक ही घर पे लेते हुए नजर आने। रॉनी यहाँ पर खिड़की से झांक रहे थे, और इसी के साथ रॉनी ने चोटी पकड़ के ये मुकाबले को खत्म कर दिया। तो इसी के साथ फाइनली यहाँ पर टीम गुजरात 7-5 से जीत चुकी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुकाबला जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को। और बात की जाए तो जीजे प्रिंसू यहाँ पर टीम गुजरात के MVP नजर आने वाले, 12 किल इस बंदे ने ठोक दिए। रॉकी का क्या ही घातक गेम प्ले, यहाँ पर 4200 डैमेज दिया है, 10 किल कर चुके बंदे ने, एमजे के 10 किल है और रॉनी भाई के 3 किल है। तो बाकी के बंदे की बात की जाए तो लेजेंड स्टीव के 10 किल हो चुके थे, क्या ही इन बंदों की तारीफ करनी चाहिए। बाकी के बंदे का तो मैं नाम भी नहीं लूंगा भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कर दी होती तो इनकी टीम जीत जाती। और बस आप लोगों को यार एक इन्फॉर्मेशन देनी थी जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप लोगों को चाहिए फ्री में जर्सी, जो सॉकर इवेंट चला है जर्सीज का, तो अगर आप लोगों को फ्री में जर्सीज चाहिए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे दबा देना है। यहाँ पर हम लोग रोज शाम को 7:30 बजे स्ट्रीम चालू करते हैं, वहाँ पर अपने लोग अगर आप लोग एक कस्टम जीत कर 8 किल करके अगर आप लोग एक कस्टम जीतते तो आप लोगों को टीम गुजरात की तरफ से 3-3 ग्रैंड प्राइजेस मिलने वाला है, जिसमें अपना एक होने वाला है कैरेक्टर, जो नया कैरेक्टर आया है, काला कैरेक्टर है, क्या नाम है उसका, DB उसका नाम है, और DB कैरेक्टर आप लोगों को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको 100 डायमंड मिलने वाला है, और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को 100 डायमंड से चाहो हमारी ट्रिक निकाल के आप लोग उसे चाहो तो जर्सीज निकाल सकते हो मेरे भाई लोग। तो बस यही कहना था, तब तक के लिए जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हो अपना अपना ध्यान रखना, प्यार दिखाना अपना अपना टीम गुजरात को, तब तक के लिए बाय बाय।